30 बाई 10 मीटर ठीक है ना, पर जो एरिया ग्राउंड रहता है वो, लेकिन गर्ल्स का रहता है 12 बाई 8 मीटर। इसमें टू टाइप के प्लेयर होते हैं, एक रेडर होता है एक कैचर होता है, ये कोई फिक्स नहीं रहते हैं। अगर ये टीम है और ये टीम है, दो टीम्स में अगर ये टीम ए अगर टीम बी को अगर रेड करने जा रही है, काउंट देने जा रही है, तो उस समय उसका जो प्लेयर काउंट दे रहा होगा वो रेडर होगा, और जो टीम इस समय जो टैकल कर रही होगी वो कैचर होगी, ठीक है ना। पूरे कोर्ट को दो भाग में डिवाइड करते हैं, मिड लाइन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ठीक है। यहाँ से मिड लाइन से 3.75 मीटर पर एक बक लाइन होती है, क्या होती है, बक लाइन, ठीक है ना। ये दिस इज नोन एज ए बक लाइन, नोन एज ए बक लाइन। इस बक लाइन को क्रॉस करना मस्ट होता है, यदि कोई रेडर रेड करने जाएगा तो उसको क्या करना है, सबसे पहले बक लाइन को क्रॉस करना है। यदि वो बक लाइन नहीं क्रॉस करता है वो किसी भी डिफेंडर को टच करके भाग सकता है, ठीक है। अगर बक लाइन नहीं टच करता है तो डिफेंडर को अगर टच कर देता है तब भी वो सेफ रहेगा, ठीक है। मगर यदि डिफेंडर को टच नहीं करता है और वनली क्रॉस बक लाइन भी क्रॉस नहीं करता है, इन दैट केस क्या होगा, ये भी आउट, तो क्या हो जाएगा, बाहर। बक लाइन हो चाहे बोनस लाइन हो, चाहे हेड लाइन हो, चाहे लॉबी की लाइन हो, जो भी लाइन्स है, सारी लाइन्स जो है कबड्डी जो फील्ड है, प्ले फील्ड है, उसमें क्या होगी, इंक्लूड्स होगी, बोनस लाइन का क्या काम है। अगर यदि रेडर अगर बोनस लाइन को क्रॉस करता है तो अवॉइडेड वन, बोनस प्लस वन पूरा कितना है, 13 मीटर, हाफ कितना हो गया, 6.50, आपस 6.50, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन टू बक लाइन, 3.75, क्लियर। फ्रॉम बक लाइन टू बोनस लाइन 1 मीटर, इस लाइन से कितनी दूरी होती है, प्लेयर फील्ड से कितनी दूरी होती है, 1 मीटर पर, कितना, 1 मीटर, यहाँ से यहाँ इसकी दूरी क्या है, 1 मीटर। अब ये कब इंक्लूड होगा और कब एक्सक्लूड होगा, जब डिफेंडर को टच करे तभी होता है, हाँ, जब डिफेंडर को रेडर टच करता है तो उस केस में दोनों के लिए, डिफेंडर के लिए भी और रेडर के लिए, लॉबी क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, लॉबी क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इन के अगर रेडर रेड करने जा रहा है, टच करके डिफेंडर को इस लॉबी में से भाग सकता है, ठीक है ना, कोई डाउट, क्लियर। यू कैन प्रिफर कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लाइक पोटैटो एंड ऑल्सो यू कैन टेक ए प्रोटीन जस्ट लाइक ए एग। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड देन यू कैन टेक मिल्क। हाउ इज खो खो डिफरेंट फ्रॉम द अदर गेम्स वी प्ले। इन खो खो डायरेक्शन इज फिक्स, इफ चेजर चेंज द रनर इन दैट केस ही कैन नॉट चेंज हिज डायरेक्शन, बट इन अदर गेम डायरेक्शन इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ओके सर, व्हाट आर द मेजर स्किल्स टू प्ले दिस गेम। इन दिस गेम मेजर स्किल्स इज टच, हाउ टू टच द रनर। ओके एंड इन कबड्डी देर आर सो मेनी स्किल्स, सपोज द टो टच, हैंड टच एंड अदर डिफेंसिव स्किल, एंकल कैच, थाई होल्ड, नी होल्ड and waste catch, okay?
like, what's your advice, we being a student, what should we do for increasing our running skills and all the skills in us? Shuttle run and speed related training is a must to develop the game of Kho-Kho, performance of Kho-Kho. Sir, what is the measurement of the speed? 16 meter width and 27 meter length. And 1.50 meters is a free zone area, and 2.55 meter from pole to first line distance. Okay, 30 meter box, sitting box. So how this game affect our emotional, spiritual, and physical factors? Because it is a very historical game. In that time, Mahatma Buddha is also performed. Literature says Mahatma Buddha, and in Mahabharata also this type of game was explained. What is the criteria of this game? Means what the height and weight is required? There is no height and weight in the Kho-Kho game. Weight is restricted only on a Kabaddi game. How yoga, meditation, these all the things help in this game? Yoga and meditation is a must for development the performance of Kabaddi, because Kabaddi is a game related to breathe, and in yoga and meditation is a technique to control the breath. So it is also interrelated, both yoga and Kabaddi. Without yoga, Kabaddi is not possible. Sir, how many players are there? How many players? In Kho-Kho, 12 players in team, and 9 players played, and 3 players each substitute. Sir, being a sportsman, our diet should be very restricted, and our schedule will be so hard. So what should we do for that? You will have to hard work. You have to awake in the morning time, and also work done in the evening. Because you have to develop your agility. Agility will be developed not only 6 to 7 days. It will be developed in long time. It means 25 to 30 days, more than 1 month. Okay? Thank you, sir. Okay.